हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इस कोलकाता क्वीन शिल्पी। और मैं हूँ शिल्पी। और मेरे जो व्यूअर्स है वो सभी लोग जानते हो, कुछ दिन पहले मैंने अपने नेप को शेप किए थे और उस वीडियो पे मुझे अच्छी फीडबैक भी मिले हैं। और बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स है वो जानना चाहते हैं कि मेरे शेविंग के बाद हेयर कैसे निकल के आया है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि इस शेप के बाद मेरे हेयर कैसे निकल के आए हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये जो मेरे बाल निकल के आया है, ये 21 डेज़ के बाद ऐसे ही निकल के आया है। और मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि उसको भी मैंने हल्का सा एक शेविंग कर दिया है और एक स्मार्ट लुक मैं दिखा रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप देखते रहना। और मेरे चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो देखते रहना, मैं इसको फिर से कॉर्नर से शेविंग करूँगी। और ये जो शेव है आप खुद नहीं कर सकते हो, किसी की हेल्प की आपकी ज़रूरत होगी क्योंकि बैक शेविंग है। तो आप देखते रहना। पहले जो है उसको अच्छी तरह ऊपर के जो बाल है आपको अच्छी तरह से उसको स्प्रे करके ऊपर दे देना है। और एक्स्ट्रा जो बाल है उसके एक शेप आपको दे देना है, कितनी आप शेविंग करना चाहते हो करके फिर आपको शेप करना होगा। इससे पहले मैंने जो शेविंग किए थे, नेप की जो शेप किए थे, उसकी वीडियो अगर आप नहीं दिखा हो तो मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लेना। कैसे पहले आप शुरू से आप नेप करोगे तो आपको ज़रूर हेल्प होगा जो नेप करना चाहते हो। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रही हूँ, आप चेकआउट कर लेना नहीं दिखा हो तो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।